Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Way Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके फीलिंग्स क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस क्या है, क्या वो आपको ऑफकोर्स जेन्युइनली प्यार करते हैं या नहीं, इस विषय में हम देखेंगे. उनका जो है क्या वो आपके ऊपर कमिटेड है, क्या वो डिवोटेड है इस रिलेशनशिप में, कितना हद तक वो आपको चाहते हैं, तमाम विषय में हम वार्तालाप करेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshna1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या महसूस करते हैं उनके लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स. वाओ, वी डू हैव अप इन द एयर. ओके, यहाँ पे है एडसम. ओके, यहाँ पे है हमारे पास कॉट इन द रुइंस. ओके, वी डू हैव आर्कएंजल माइकल, द हर्मिट कार्ड यहाँ पे है. वी डू हैव द एस ऑफ कीज, दैट इज द एस ऑफ पेंटेकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ कीज. ओके, क्लियरिंग द वे. यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी जो है फीलिंग्स, आपकी जो भावनाएं हैं इनके लिए किस कदर है. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गॉड्स, प्लीज गाइड करें. सो वी डू हैव द हिलेरियन, ये आपके तरफ से आ रहा है. ओके, वी डू हैव द सेवन ऑफ स्क्रोल्स. ओके, वी डू हैव द एट ऑफ फोर्सेस. ओके, वी डू हैव थ्री ऑफ रोजेस. 17 नंबर द डेस्टिनी कार्ड, द स्टार कार्ड, द लुक आउट. बॉटम ऑफ द डेक आपके तरफ से आया है सिक्स ऑफ रोजेस. थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख पाए. जस्ट अ सेकेंड गाइज प्लीज. ओके, आई होप यू कैन सी देम. यहाँ पे है कैंसर पार्शियस स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है यहाँ पे, एरिस स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 18, 9, 18, दैट इज 9, 9 इज इम्पॉर्टेंट, 22nd 16, दैट इज 7, 7, 7 इज इम्पॉर्टेंट, 5 इज इम्पॉर्टेंट, 8 इज इम्पॉर्टेंट. स्पेसिफिकली 8, 17, 26 ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. द मंथ ऑफ ऑगस्ट, नवम्बर, जुलाई, अप्रैल एंड जून कैन बी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे 6 आपके तरफ से और यहाँ पे 9 इनके तरफ से आया है. ऑलराइट, सो लेट्स गो इनटू द मेन पिक्चर. आपकी पहले मैं बता देती हूँ आपकी जो है क्या है, आपकी जो फीलिंग्स है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे आप सिंगल है, चाहे आप कोई पर्सन के लिए देख रहे हैं, चाहे आपकी जो है ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन. क्योंकि मैं बोल देना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, बिकॉज मैनी ऑफ यू आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन कि ये रीडिंग किसके लिए है. रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट हो या नो कॉन्टैक्ट हो. बेसिकली आपका जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके उसूल बहुत पक्के हैं. आप ऐसे इंसान हैं ना जो अपने उसूलों से चलते हैं, और आपकी जो ऐसा है कि आपका मानना इस तरीके से है कि जिससे जो प्यार करेंगे उसका फाइनली जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा एक साथ रहना एंड डेफिनेटली टू गेट मैरिड. ठीक है, आपका ऐसा नहीं है, यू डोंट वांट टू गो फॉर एन ओपन रिलेशनशिप. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है,
यू डोंट वांट एन ओपन रिलेशनशिप। मे बी आपके ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आप फीमेल है तो आपके मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपका विचार जो है, आपका एक जो जैसे बोला जाता है ना संविधान, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक दैट टू गेट मैरिड फाइनली। चाहे हम लिव इन रिलेशनशिप पहले पहले करें या शादी से पहले हमारा इतना इंटीमेसी हो, लेकिन फाइनली जाके हमारा शादी हो, यही आपका विचार है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स लाइक यू नो व्हाट, बेसिकली आपके पर्सन हो सकता है कि दे आर नॉट विथ यू राइट नाउ, दे आर इधर डिटैच्ड फ्रॉम यू, या लॉन्ग डिस्टेंस में है, या यहाँ पे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आपने उनको कट आउट कर दिया अपने ज़िंदगी से, बट स्टिल यू फील फॉर दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि क्यों इस रिलेशनशिप जो है पहले जैसा नहीं हो सकता, क्यों लोग इतना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करते हैं, क्यों लोग इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, क्यों उनको सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आता है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे ऐसा किया गया, वाई आई वॉज सो इंसल्टेड, वाई आई वॉज रिजेक्टेड, वाई आई वॉज रिफ्यूज्ड, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका मानना ये भी है कि आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, बहुत खुशहाल परिवार हो सकता है, वाई नॉट। जब भी आप कोई मुश्किल हालात में पड़ते हो ना, बाकी के लिए मैं बोल रही हूँ, तब भी सबसे पहला जो नाम आता है वो है उनका, कि आप वो अगर होते मेरे साथ तो शायद मुझे इतना परेशानियों से झेलना नहीं पड़ता, वो इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट काश अगर वो होते। सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकता है कि अगर आप मैरिड है या आप रिलेशनशिप में हैं, शायद ये बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रिक्वेंटली, अपने बिजनेस में इतना मन लगा देते हैं कि आपके लिए शायद टाइम ही नहीं बचता। सो कोई भी घर के मसले हो, ठीक है, फैमिली रिलेटेड मसले हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज आए, उसको सॉल्व करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही होता कि ये इंसान आपका साथ दे दे, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है कि ये इंसान आपके साथ नहीं दे पाते हैं ड्यू टू डिस्टेंस, या ये इंसान आपके साथ प्रेजेंट सिचुएशन में है ही नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि शायद मैं ही अनलकी हूँ इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, वरना क्यों होता, बाकी तो कपल्स अच्छे ही है ना। और अगर आपका रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा है तो आपका मन ऐसा करता है कि कितना फास्ट आप उनके पास पहुँच जाओ और आप ये भी आपके पास आ जाए और बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर आप लोग घूमने जाएंगे, फिर आप खुशी मनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे, इस तरह से आपकी मनोभाव दिखाई दे रहा है। नाउ कमिंग अप टू योर पार्टनर्स फीलिंग इज लाइक दैट, कि इस तरह से मुझे दिख रहा है बोथ ऑफ योर पार्टनर फील लाइक दैट, कि जो प्यार वो दिखाते नहीं है लेकिन प्यार तो वो आपसे बेहद करते हैं। जब वो काम करते हैं आपको लगता है कि ये इंसान शायद मेरे बारे में एक बार भी सोचते नहीं है ड्यूरिंग द डे और नाइट वट एवर, बट आई फाइंड लाइक दैट ऑफकोर्स ये सोचते हैं, ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स। मुझे दिख रहा है अगर ये किसी और के साथ भी मैरिड है या ये और भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये ऐसा है बहुत प्रॉब्लम में आए हैं। जब उन्होंने आपकी ज़िंदगी बिगाड़ दिया था तब इनका ज़िंदगी भी बिगाड़ना ही था, सो ऑल दैट कॉट इन द रूइंस, आपने जो एक कंस्ट्रक्शन बनाया था ना उसको बिगाड़ के ये चले गए। सो यू सी इंट्रिकेसीज एंड द इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे क्या है, कॉट इन द रूइंस मतलब बर्बाद हो गया उनकी ज़िंदगी, वो इस सिचुएशन से एस्केप नहीं कर पा रहे, भाग नहीं पा रहे हैं, ऊपर छत नहीं है, दिस पर्सन कैन ईजिली जम्प फ्रॉम दिस ताकि वो गेट से बाहर आ जाए, लेकिन उनका बुद्धि भी वो खो बैठे हैं, होश खो बैठे हैं, होश गवा दिए इन्होंने, बेसिकली दे आर नाउ रियलाइजिंग विद द हर्मिट कार्ड, दे आर नाउ रियलाइजिंग। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के बच्चे भी थे, आपके भी बच्चे हैं, राइट, हो सकता है उन्होंने आप तीनों को या आप दोनों को छोड़ के चले गए, दे डिड नॉट थिंक अबाउट देयर फैमिली एंड नाइट नाउ दे आर रियलाइजिंग
ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो है अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई एक्चुअली बिलीव लाइक दैट एट द आर्क एंजल माइकल से अगर आप कुछ भी पूछेंगे ना, इफ़ यू जस्ट मतलब थिंक लाइक दैट, क्योंकि एंजल सब पूछ सकते हैं लाइक दैट, सो ही विल आंसर यू विद इन अ सेकेंड। लाइक वो देखा है मैंने कि कुछ चीज़ हमने पूछा है सो उसका आंसर हमें मिल जाता है। सो यू कैन आस्क ऑल्सो आर्क एंजल जस्ट अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो मुझे ऐसा दिख रहा है आपका दिल उन्होंने जलाया है और ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप मत रोइए, जो उन्होंने किया है उसका सजा उनको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस। वरना आप ही बोलो गेट तो यहाँ पे बंद है मैं मानती हूँ, लेकिन ऊपर से तो छत खुला है राइट, तो ऊपर से तो जंप मार के आ सकते हैं ना। मे बी आई डू फील लाइक दैट कि ये इस इंसान को ना ये औरत ने या मर्द ने इतना बुरा फंसाया कि दोनों ही फंसे हैं। मे बी देयर वॉज सम काइंड ऑफ यू नो वन सम बैंक्रप्सी या कोई ऐसे स्कैंडल में फंसे या कुछ ऐसा में उन्होंने फंसे, ठीक है, जो उनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आपके साथ भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इट्स लाइक दैट। बट दे वांट टू डू दिस कनेक्शन राइट नाउ, एस ऑफ पेंटिकल्स। बाकी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो बर्बादी उन्होंने आपकी ज़िंदगी में किया, जो भी तहस नहस आपका उनके वजह से हुआ, नाउ दे वांट टू रिकंस्ट्रक्ट इट, बट उसमें बहुत टाइम लग रहा है ना। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी चले भी आए हैं आपकी ज़िंदगी में, तभी भी उनको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिगाड़ना बहुत ईजी है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। बन तो जाएगा लेकिन बनना मुश्किल है। दिस इज़ लाइक यू नो वर्ड, दिस इज़ लाइक अ पिरामिड कंस्ट्रक्शन कि जहाँ पे बनने में हज़ारों साल लगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हज़ारों साल लगेगा, बट जिस चीज़ को आप देखोगे, नोएडा में आपने देखा होगा कि शायद 2-3 मिनट्स के अंदर ही पूरी तरह से बिल्डिंग जो इल्लीगल था वो किस तरह से कोलैप्स करवा दिया गया, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने में क्या 5 मिनट लगे थे या जो भी टाइम ड्यूरेशन था, क्या वो लगा था? नहीं ना। सो कंस्ट्रक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइम भी लगता है। आप किसी के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हो तो भी टाइम लगता है, लेकिन दोस्ती जब टूट जाता है वो एकदम पल, मतलब एकदम पल झपकते ही वो टूट सकता है। सो दिस रिलेशनशिप्स लाइक यू नो व्हाट, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, सोशल सर्कल, हमारे पड़ोसी, ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने संभाला नहीं। नाउ बेसिकली दे वांट टू गेट रीड ऑफ द सिचुएशन, वो चाहते हैं कि ये जो है, ये जो देखो, ये कहीं से, ये बार बार मुझे ना वो 1920 मूवी जो है, हॉन्टेड मूवी का याद दिलाता है कि कुछ इविल एनर्जीज अगर इनके साथ है, अगर ये एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, सो मुझे दिख रहा है इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, बार बार इनको रुकावट करने हो रहा है इस तरह से। मे बी यू आर फाइन राइट, आप सही हो, बट यहाँ पे इनके जो 12 बज गए हैं ज़िंदगी में, सही मैं बोल रही हूँ। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक दैट, ये क्यों हुआ, ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे दूसरे रिलेशनशिप में, इसीलिए उनको ये सब कुछ झेलना ही था। जब आप रॉन्ग पर्सन के साथ होते हैं, कोई भी, ठीक है, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, लेकिन उसको रुकावट आना ही है। यहाँ पे आप इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये जल्द से जल्द उसका हल हो जाए। यू वांट बेसिकली दैट। नाउ लेट मी सी अबाउट द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है उनके तरफ से, मैं और कर देती हूँ, यहाँ से हम करेंगे इस डेक से वेरिफिकेशन, बट मुझे नहीं लगता है कि वेरीफाई करना उतना भी ज़रूरी है, बिकॉज इट वॉज सो क्लियर, बट स्टिल यहाँ पे 18 नंबर अप इन द एयर यू क्यू है। ये इंसान आपके साथ एक सपना देख रहे हैं। देखो बाकी लोगों के लिए तो ऐसा ही है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, दे आर सीइंग दैट यू एंड देयर करियर हो, आपके फैमिली लाइफ हो, बच्चे हो, सब कुछ अच्छा से हो जाए, सब कुछ हायर चले, जैसा बोला जाता है ना ऊपर, इट्स अपसाइड, ठीक है, इट्स नॉट डाउन, इट्स अप, सो एडवेंचरस हो, इसी तरह से चाहते हैं। सो लेट मी सी अप इन द एयर, अप इन द एयर क्यों है,
मिरेकल हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में मिरेकल हो, यही चाहेंगे और क्या चाहेंगे, क्योंकि उनके पास तो और कुछ है नहीं। और दूसरा चीज़ है कि वो ये भी चाहते हैं आपके साथ उनका ज़िंदगी जो है हमेशा हर दिन हर पल स्पॉन्टेनियसली कंसिस्टेंटली बरकरार रहे खुशियाँ। ओके ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या है एडसम, व्हाई दिस एडसम कार्ड, एडसम कार्ड यहाँ पे क्यों है, कंप्लेसेंसी। जब भी अकेले होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी अकेले होते हैं आपको आपको लगता है कि इंसान आपके बारे में नहीं सोचते, स्पेशली नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन, बट मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान के दिमाग भर जितने भी कन्फ्यूशंस हो, जितने भी हो, ये इंसान रोते भी हैं। अगर इनको हंसी भी आता है तभी भी आप देखो आपका याद आ रहा है, और जब इनको रोना भी है तभी भी आपका ही याद आ रहा है। सो दे आर गोइंग इन टू द फ्लैश बैक, ओके, ऑफ योर लव रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों है कॉट इन द रुइंस, यहाँ पे क्यों है, वाई दिस कॉट इन द रुइंस, कॉट इन द रुइंस कार्ड क्यों है यहाँ पे, वाई दिस कॉट इन द रुइंस। ओके, वी डू हैव क्रिएशन। देखो ये इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी का जो एक क्वालिटी होता है ये लगभग खो चुके हैं, होश आवाज़ बिल्कुल खो चुके हैं। स्पेशली अगर वो क्रिएटिव माइंड होते तो इस जेल से, इस कैद से तो वो आज़ाद हो पाते, लेकिन इनके अंदर क्रिएटिव एनर्जी जो है वो फुस हो गया। क्यों, जैसे होता है ना बलून फुस हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं है, तो इस रिलेशनशिप में मज़ा ही नहीं है। इस रिलेशनशिप जब जब से उन्होंने मतलब थर्ड पार्टी के साथ या कोई और किसी के साथ शुरुआत किया था तब तो इन्होंने बहुत अच्छा सोचा था, बट वो कुछ उस तरह से कुछ जम नहीं रहा था। ठीक है, सो देर वॉज नो एनर्जी, देर वॉज नो एनर्जी। ओके, Now, why this Ace of Keys? Why this Ace of Pentacles? Why this One of Keys? देखो करना ही पड़ेगा मुझे verification. Ace of Keys. Why? Prayer. जो जैसे होता है ना कि हम खुदा के पास, हम अल्लाह के पास, हम भगवान के पास, हम चर्च में जाके हम जो भी करते हैं वो शुद्ध मन से करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग को उन्होंने ही कोलैप्स किया था, ये इंसान ने कोलैप्स किया था, या आपके ज़िंदगी में कुछ ट्रेजेडी हुआ था, इनके ज़िंदगी में कुछ ट्रेजेडी हुआ था, ये प्रार्थना कर रहे हैं। मे बी यू आर टुगेदर राइट नाउ, मैं मान लेती हूँ कि आप लोग एक साथ हैं, लेकिन अगर आपके पिछले ज़िंदगी में मतलब पास्ट, इसी लाइफ में, पास्ट में अगर कुछ हादसे ऐसे हुए जिसको भूलना आज के लिए भी आपके लिए नामुमकिन है, ये इंसान आपकी खुशी के लिए उस चीज़ को फिर से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के साथ आपकी शादी भी हो गई थी या आपने किसी के साथ रिलेशनशिप भी रखा था लेकिन वो रिलेशनशिप चला नहीं, मे बी दिस इज़ अ न्यू पर्सन हु हैज कम इन योर लाइफ, बट ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है मन्नतें यही कर रहे थे कि आपके जैसा उनको पार्टनर मिले और आपके ज़िंदगी में जो भी लॉस हुए वो उनको फिर से प्रॉफिट बनाने में लगे हुए रहेंगे। ठीक है, सो वट एवर यू लॉस्ट दिस पर्सन इज प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल गेन इट अगेन। कितना अच्छा है ना। ऑल राइट, सो ये तो आपकी नहीं है। ओके, यहाँ पे देखती हूँ, वाई द सेवन ऑफ स्क्रोल्स, सेवन ऑफ स्क्रोल्स यहाँ पे क्यों है, वाई द सेवन ऑफ स्क्रोल्स, वाई द सेवन ऑफ स्क्रोल्स, फसाड। देखा यहाँ पे भी बिल्डिंग का बोला जाता है, एक्सटीरियर पार्ट इज कॉल्ड द फसाड, एंड यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको मे बी रिफ्यूज़ किए या मना कर दिए या उतना हाँ में हाँ नहीं मिलाया, या ये इंसान किसी और के साथ भाग गए, आपको कुछ बोलने का इनका मतलब कुछ था ही नहीं, रिलेशनशिप बिगड़ गया। ठीक है, आप डिसीव्ड हुए। इसका मेन रीज़न यही है कि इनका जो है ना ये बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड, शोबिज़, फैशन,
कुछ ऐसे इंसान के चंगुल में जाके फंसे ये इंसान, जो शायद अपर से देखे ना तो इनर ब्यूटी आपका नहीं दिखा, बाहर का जो सुंदरता है उनको वही दिखाई दिया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द फसाड। फसाड मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर पार्ट। ओके ठीक है। क्लियरिंग द वे, वेदर इज क्लियरिंग द वे। तो फर्स्ट हो गए 1920 वाला सीन मुझे बार बार याद आ रहा है। इविल एनर्जीज आपको नहीं छोड़ेंगे इनको, तो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन गाइस। फोर ऑफ कीज, देखा बैलेंस, कहीं पे भी हुआ बैलेंस नहीं कर पाते इंसान, ना अपने घर वालों को खुश रख पाते हैं, ना ऑफिस वालों को खुश रख पाते हैं, ना अपनी निजी जिंदगी में खुश है, सिर्फ ऐसे। आप सिर्फ देखो ये ना मुझे आफ्ताब जी के जैसा दिख रही है, और यहाँ पे वो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्ट्रेस, डिट्टो वही है। आई डोंट थिंक सो कि ये रिलेशनशिप में भी ये बैलेंस नहीं कर पाए और बहुत परेशानियों से ये झेले, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस पर्सन विल ट्राई टू, कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वो किसी को मतलब सबको गुस्सा दिला देते हैं ये इंसान। अभी मुझे देखना है इनका जो है फ्यूचर मोटिव क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर मोटिव, फ्यूचर मोटिव ऑफ दिस पर्सन, नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थ्री ऑफ फोर्सेस, थ्री ऑफ वैंड्स, बर्ड्स नेस्ट, घोंसला आपके साथ करना है। ओके द किंग ऑफ कीज, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी गुड कार्ड, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है उनको पता, जैसे बोला जाता है ना कि पक्षी कहीं पे भी जाए उड़ जाए, लेकिन रात को वो अपने घोंसले में ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके फैमिली है। सो यू आर देयर फैमिली, एंड देन देयर इज अ बटरफ्लाई विच शोज ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशनशिप। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लेट मी सी। ये आपको एक टेलीपैथिक मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने रियलाइज कर लिया है, अभी अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, आपके घर में आना है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो आप भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे नहीं किया। तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जस्ट थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर इज सो ब्राइट। सो टेलीपैथिक मैसेज मैंने दे दिया, अभी मुझे आपके लिए कुछ कार्ड्स निकलने हैं। इंटीमेसी, देखा, सो दे व्हाट डू दे वांट टू डू, दे वांट टू बुक अ होटल, ठीक है, बुक अ रूम फॉर यू, ठीक है, और बहुत सारा डेकोरेशन करना है उस रूम पे, बाथटब पे, एंड दे वांट टू बी वेरी इंटीमेट विद यू। ओके मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन तभी हो पाता है जब प्रॉपरली चैनलाइज होता है और एक्शन भी लिए जाते हैं, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से नहीं होता है काम। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सिर्फ मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बट उस चीज़ को हकीकत में भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, विद द सेक्सुअल फ्रीडम एंड द गार्डनर। आई डू फाइंड दे वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद यू, ठीक है, ब्यूटिफुल। All right, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much for being with me.